मटर पनीर खाना भूल जाएंगे जब बनाएंगे आप भिंडी की ये न्यू रेसिपी। आप यकीन नहीं करेंगे, आपने ये भिंडी पहले कभी नहीं बनाई होगी। आप एक बार इसे बना के देखिए, यकीन मानिए आप उंगली चाटते रह जाएंगे, और जो आपके हाथ की भिंडी बना के बनाएगा वो भी उंगली चाटता रह जाएगा। हम भिंडियों को अच्छी तरह धो के और इन्हें काट लेंगे, और प्याज और टमाटर भी काट लेंगे। उसके बाद हम चढ़ाएंगे कढ़ाई में तेल चढ़ा के, इसमें डालेंगे बेसन और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का भूनते रहेंगे जिससे बेसन की जो कच्चेपन की खुशबू है वो चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी है, आप इसको एक बार बना के देखिए। अब हम जो हमने भिंडी काटी थी इनको अच्छी तरह से बेसन मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इनको भी भूनेंगे। अब इसमें थोड़े से हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लगेंगी खाने में। अब इनको अलग करके अब इसमें कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे और अपना मसाला तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कटी हुई प्याज डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डालेंगे। इसमें हमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा मसाले नहीं डालने, हल्के मसालों में ही बहुत बढ़िया स्वादिष्ट रेसिपी बनेगी ये भिंडी की। अब हम अपने बेसन में भुनी हुई भिंडी डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप यकीन कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी लगेगी। आपने ये पहले कभी नहीं बनाई होगी। अब हम इसमें डालेंगे दही को, मैंने पेस्ट अच्छी तरह से पेस्ट करके उसमें पानी मिला के लस्सी टाइप की बना दी थी, अब वो डाला है इसमें मैंने, और हम अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। एक बार इसको बना के देखिए, आपके घर जो आएगा उनके वे भी आपकी तारीफ़ करेंगे, और आपके बच्चे जो आपकी बच्चे भिंडी नहीं खाते हैं वे भी उंगली चाट चाट कर दोबारा बनवाएंगे और आपसे कहेंगे कि इसको दोबारा बनाओ, और आप भी इसको बनाओगे और अपनी तारीफ़ करवाएंगे। ये देखिए हमारी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है, और अब हमारे भिंडी ने तेल छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डालेंगे और देखिए कितनी बढ़िया और कितनी बढ़िया जल्दी बनने वाली है रेसिपी है। आप यकीन करिए मटर पनीर खाना भूल जाएंगे इस तरह की भिंडी बना के देखिए।